आम आदर्श स्नातक महाविद्यालय जी ट्वेंटी तरफ एक सभा बेस सुरखुरी संपन्न होई सभारे वर्तमान सांप्रतिक पृथ्वी विभिन्न अवस्था अर्थनैतिक सामाजिक शिल्पायित ए संपर्क विशद भाव आमर आलोचक मान आलोचना करते आलोचन आई आई एम संबलपुर प्रोफेसर डॉक्टर आर के पाड़ी और प्रोफेसर अरुण मिश्र से माने पिला मानकु ए जी ट्वेंटी सम्मेलन उद्देश्य संपर्क बेस सुंदर भाव बुझाई देते पिला माने बेस उत्साहित होती पूर्वर मध्य आम महाविद्यालय किभली देवगढ़ जिले में औद्योगिक विकास हम छोट छोट शिल्प किभली पिला माने करि परिबे एंटरप्रेन्योर विकास हम से संपर्क आलोचना चक्र मान अनुषित होता किंतु आज जो आलोचना चक्र है ता निसंदेह पिला मानक मनरे नूतन आशा उद्दीपना खेलाई भविष्य में आम यही कार्यक्रम जारी रखिबु एवं विभिन्न स्तर आम आलोचक मानक आम पिला से माने किभली भाव में भल मनीषटी हो पारे किभली भाव में देवगढ़ भली गोटे कृषि प्रधान जिले में से माने उद्योग शिल्प प्रति आकर्षित हो तार विकास करे ये संपर्क आम मैंने प्रचेषा करूँ एवं आज जी ट्वेंटी आलोचना जो चक्र अनुषित हो पुरस्कार वितरण उत्सव से मुझे विशेष भाव खुशी एवं जी ट्वेंटी टीम को मुझे धन्यवाद अर्पण करुच्छ। प्रधान, कक्षा दसवीं की छात्रा जैन भी देवगढ़ से हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने प्राइज को लेने आई थी। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए थे जिसके प्राइज मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथियों लोग भी आए हैं जिसको मैं लेने। इसका सबका पहला श्रेय मैं देना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी सर को। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज़ का इतना सारा आयोजन किया और मैं अपने शिक्षकों को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें हर समय पर हमें साथ दिया और यहाँ तक लाए। धन्यवाद। स्थिति प्रज्ञा दास, कक्षा आठवीं की छात्रा हूँ। केंद्रीय विद्यालय से मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। इस G20 के प्रोग्राम में जितने भी एक्टिविटीज़ हुए हैं मुझे उनसे बहुत सी शिक्षा मिली है जो कि मैं कभी भी भूल नहीं सकती। और यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही अच्छा गया है और मैं यहाँ पे अपना प्राइज डिबेट की थर्ड पोजीशन में लेने आई थी पर मुझे यहाँ पे आके ये पता चला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्राइज में कोई मतलब नहीं रहता। हमें जो सीखने के लिए मिलता है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। थैंक यू। सेल्फ सतीर पात्र, आई एम परसुइंग कॉम्पिटेटिव बारकोड ट्रेड ऑफ थिएटर। जो ये अभी हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं इसका मोटो है जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है गोल है कि अभी इसी में IIM का प्रोफेसर सर उपस्थित थे, वो बोले कि जो फास्ट होता है वही होता है, सब कुछ करने की काबिल रखता है, लेकिन जो सेकंड थर्ड आता है पिछले में रह जाता है उसके अंदर भी एक जागरूकता सृष्टि होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को लेके। तो मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट के नाते के बोलना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मायने रखता है एक देश को एक गाँव को आगे ले जाने के लिए। जिस तरह से चाणक्य जी ने अखंड भारत का सपना देखा था, अखंड भारत नहीं हम लोग अखंड विश्व का सपना लेके चलेंगे, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू। नमस्ते, मैं मनीषवी, कक्षा सातवीं की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। और आज G20 समिट के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई और यहाँ पे हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया गया था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया गया और इसमें G20 समिट में जो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और G20 समिट में हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और G20 में हमारा वसुधैव कुटुंबकम है जिसका मीन्स है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसका मतलब है कि हम सबको एक से रहना है, यही G20 में हमें समझाया गया है। धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश श्रीवास्तव है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मैं जॉब करता हूँ दिल्ली। बिल्कुल, G20 आज के जो इस इवेंट जो हुआ है उसका सारा श्रेय हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनका विजन, माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का गाइडेंस और हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO वेद सर का उनका डायरेक्शन के साथ हमने ओडिशा के हर डिस्ट्रिक्ट में जन भागीदारी एक्टिविटी की है। ये एक्टिविटी क्या है, ये एक सेलिब्रेशन का समय है, ये खुशी का पल है, क्योंकि ओडिशा में भुवनेश्वर में 28 और 27 को हम लोग जो G20 की जो मीटिंग कर रहे हैं उसके लिए आज यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स,
और कॉलेजेस पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सबको आज यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आईएम संबलपुर ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है और इसमें देवगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मॉडल डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई बारकोट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।